हेलो स्टूडेंट्स, तो इस लेक्चर में हम करने वाले हैं बीए फोर्थ सेमेस्टर हिस्ट्री की यूनिट फोर। जैसे कि हम यूनिट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें से मतलब जो हमारी यूनिट फर्स्ट थी उसमें आपके दो तीन टॉपिक्स थे जिसमें रिफॉर्मेशन था, रेनेसे था एंड मार्टिन था। तो वो तीनों ही टॉपिक्स मैं कवर करा चुकी हूँ, चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी सेकंड यूनिट थी उसमें इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ग्लोरियस रेवोल्यूशन था, वो भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। थर्ड जो हमारी यूनिट थी जिसमें कि फ्रेंच रेवोल्यूशन था एंड अमेरिकन रेवोल्यूशन था, ये भी मैं दोनों कंप्लीट करा चुकी हूँ। मेनली फ्रेंच रेवोल्यूशन के कॉजेज आपके सिलेबस में पूछे गए हैं, बट स्टिल अगर किसी भी यूनिवर्सिटी में फ्रेंच रेवोल्यूशन में और भी कुछ एडिशनल टॉपिक्स हैं, लाइक फ्रेंच रेवोल्यूशन में कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, अगर आपसे वो पूछे जाते हैं या फिर उसके इंपैक्ट्स पूछे जाते हैं, तो आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में या फिर जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन वाली वीडियो है उसके कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उन दोनों टॉपिक्स पे भी वीडियो बना दूंगी। ठीक है, तो हमारी जो यूनिट फोर्थ है इसमें हमें पढ़ना है एमर्जेंस ऑफ नेपोलियन, नेपोलियन के उदय के क्या कारण थे, नेपोलियन की जो कॉन्टिनेंटल थ्योरी थी वो हमें पढ़नी है। इसके अलावा जो नेपोलियन के रिफॉर्म्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम नेपोलियन के राइज के जो कॉजेज हैं वो देखेंगे एंड इसके जो रिफॉर्म्स थे वो देखेंगे। एंड जो हमारी कॉन्टिनेंटल थ्योरी है या जो कॉन्टिनेंटल शिफ्ट एक थ्योरी नेपोलियन ने दी थी वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो शुरू करते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे नेपोलियन का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन एंड देन हम बात करेंगे इसके कॉजेज की, मतलब इसके राइस के कॉसेस की। ठीक है, इसके अलावा इस लेक्चर या किसी भी लेक्चर की पीडीएफ या नोट्स आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको चैनल पे भी मिल जाएगा, अदरवाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगर हम नेपोलियन के प्रारंभिक जीवन की बात करें तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल इनको अपनी अर्ली लाइफ में करना पड़ा। इनके जन्म की बात करें तो 15 अगस्त 1769 को फ्रांस में अजासियो कोर्सिका में इतालवी मूल के एक परिवार में इनका जन्म हुआ है। काफ़ी एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे और 9 साल के थे तब इन्होंने एक सैन्य अकेडमी को ज्वाइन किया था और बहुत ज़्यादा अध्ययनशील थे, लेकिन क्योंकि कोर्सिकन उच्चारण मतलब इनका जो प्रोनंसिएशन था वो कोर्सिकन से मैच करता था या कोर्सिकन जैसा था बहुत हद तक, और इनकी जो हाइट थी वो भी काफ़ी कम थी, तो एक छोटे कद के होने के कारण स्कूल में अक्सर इनको बाकी बच्चे डराते थे, धमकाते थे, बहुत अच्छा इनके साथ बिहेव नहीं किया जाता था। बट स्टिल 1784 में उस सैन्य अकेडमी में इन्होंने अपना ग्रेजुएशन कम्प्लीट किया एंड देन नेपोलियन ने इकोलो मिलिटेयर में एक तोपखाने अधिकारी बनने के लिए प्रशिक्षण लिया। उसके बाद 2 साल का ये पाठ्यक्रम पूरा कर, जो मतलब 2 साल की इनकी ट्रेनिंग थी इसको इन्होंने 1 साल में ही पूरा किया और सितंबर 1785 में ये सिर्फ 16 वर्ष की उम्र में नेपोलियन को ला फेरे आर्टिलरी रेजिमेंट में दूसरे लेफ्टिनेंट के रूप में नियुक्त किया गया, सिर्फ और सिर्फ इनकी योग्यताओं के बलबूते पर। तो बेशक इनका प्रोनंसिएशन, इनकी हाइट या आप कह सकते हैं कॉम्प्लेक्शन, इन सब चीज़ों में लोगों को प्रॉब्लम नज़र आती थी, बट स्टिल अपनी काबिलियत से ये यहाँ तक पहुँच जाते हैं। अब फ्रांसीसी क्रांति जो कि 1789 में शुरू हुई थी उसमें भी इनकी भूमिका रहती है, वहाँ पर एक मतलब सैन्य अधिकारी के तौर पर इन्होंने उस भूमिका को निभाया है। उसके बाद जब फ्रांस में लुई 16 के बाद डायरेक्टरी का शासन रहता है तो डायरेक्टरी के शासन से जब लोग परेशान हो जाते हैं उसके बाद में नेपोलियन धीरे धीरे लोगों के बीच में अपनी जगह बनाता है और कैसे वो पूरी सत्ता को अपने हाथों में कर लेता है वो चीज़ हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो 1789 में शुरू हुई जो सामाजिक असमानता, नागरिकों पर अत्यधिक कराधान, भोजन की कमी, भ्रष्ट राजशाही प्रभुत्ता के विचारों के कारण क्रांतिकारियों द्वारा फ्रांस साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया गया था। मेनली यहाँ पे जो बात की जा रही है वो फ्रांस जो फ्रेंच रेवोल्यूशन था उसकी बात की जा रही है। तो जुलाई 1793 में नेपोलियन ने टुलोन की घेराबंदी की योजना बनाई और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल वहाँ पे प्ले किया और क्रांतिकारी बलों ने फ्रांस के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक बंदरगाह टुलोन पर हमला किया। क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश और फ्रांसीसी जो रॉयलिस्ट थे उनको हरा दिया, जिसमें कि ब्रिटिश और फ्रांसीसी को वहाँ से हटना पड़ा और बंदरगाह पर नियंत्रण कर लिया गया। टुलोन की घेराबंदी में बोनेपार्ट की जीत होती है और उसी से उनका जो सैन्य करियर है वो आगे बढ़ता है। नेपोलियन को देन 22 दिसंबर 1793 को कर्नल से ब्रिगेडियर जनरल के पद पर मतलब पद पर उन्नति मिल जाती है, मतलब यहाँ से उनका प्रमोशन हो जाता है कि कर्नल थे अभी तक वो, लेकिन फिर ब्रिगेडियर जनरल बन जाते हैं। उसके बाद अगर हम बात जीवन की, अब एक बार हम बात कर लेते हैं नेपोलियन की सैन्य उपलब्धियां क्या थी। देखिए वैसे तो आपसे सैन्य उपलब्धियां मतलब इंडिविजुअली नहीं पूछी गई हैं, जो आपके सिलेबस में टॉपिक दिए गए हैं तीन ही टॉपिक हैं मेनली जिसमें से आपसे पूछे हैं नेपोलियन के उत्थान के क्या कारण थे, है ना। और दूसरा जो आपसे पूछा गया है नेपोलियन की जो कॉन्टिनेंटल व्यवस्था थी वो पूछी गई है। तीसरी चीज़ आपसे नेपोलियन की फॉरेन पॉलिसी पूछी गई है। पर देखिए जब हम नेपोलियन के उत्थान के कारणों को पढ़ेंगे तो साथ ही साथ हमें कंक्लूजन में उसके पतन के कारण भी जानने होंगे। और देखिए उत्थान से पहले हमारे लिए ये जानना भी जरूरी है कि कैसे नेपोलियन यहां तक पहुंचा।
मतलब जैसे कि हमने उसके प्रारंभिक जीवन में देखा कि सेना में एक आम सिपाही की तरह उसकी नियुक्ति होती है, तो वहाँ से लेके फ्रांस का शासक बनने तक का सफ़र वो कैसे तय करता है, तो उसी क्रम में आती हैं इनकी सैन्य उपलब्धियाँ। 1795 में फ्रांसीसी भीड़ ने फ्रांसीसी निदेशिका सरकार का जो मुख्यालय था, जो कि ट्विलरीज पैलेस पर था, वहाँ पर धावा बोल दिया था फ्रांसीसी भीड़ ने। तो उस समय क्या था, क्योंकि नेपोलियन सेना में है, तो नेपोलियन को ये आदेश दिया गया कि वो भीड़ को शांत करे, और सैनिकों ने भीड़ पर क्या किया, गोलियां चला दी, जिससे कि भीड़ इधर उधर हो जाती है और वो जो हमला करने के लिए भीड़ आई हुई थी पैलेस पर, वो हमला वहीं रुक जाता है। तो इस हमले के रुकने को नेपोलियन की एक उपलब्धि की तरह देखा जाता है कि नेपोलियन ने यहाँ पे काफ़ी अच्छा काम किया है कि वहाँ से उस पैलेस से भीड़ को हटा दिया है। नेपोलियन को बहुत ही महत्वपूर्ण प्रशंसा अर्जित होती है यहाँ से, और देखिए टुलोन की जीत के नाम से भी इस घटना को जाना जाता है। और टुलोन में अपनी जीत के बाद में फ्रांसीसी सेना की जो कमान थी वो नेपोलियन को सौंप दी जाती है, इटली की जो फ्रांसीसी सेना थी उसकी कमान भी, ठीक है। इसके अलावा ऑस्ट्रिया लोगों के खिलाफ भी इन्होंने कई सारी जीत हासिल की हैं, तो इसी क्रम में इनका जो पद था वो धीरे धीरे कैसे बढ़ता जाता है। नेपोलियन ने भूमध्य सागर में फ्रांस के प्रभाव को बढ़ते देखा और ब्रिटिशों को कमज़ोर करने की कोशिश की। अब 1798 में नील नदी का नौसैनिक युद्ध हुआ था, जिसमें अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसियों को हरा दिया था। अब जिससे भूमध्य सागर में फ्रांसीसी प्रभाव बढ़ाने का बोनापार्ट का लक्ष्य जो था वो समाप्त हो जाता है। 1799 में फ्रांस ने ग्रेट ब्रिटेन के साथ एक अस्थायी शांति स्थापित की, जिसके कारण नेपोलियन को जीन बैप्टिस्ट क्लेबर के प्रभार में मिश्र में अपनी सेना छोड़नी पड़ी, और घर पर अपनी शक्ति को मजबूत करने के लिए वो फ्रांस लौट आते हैं, ठीक है। अब देखिए ये तो हमने इनके प्रारंभिक जीवन में भी बात कर ली थी कि कैसे इनकी पद नियुक्ति मतलब बढ़ती जाती है, कैसे एक छोटे से पद से एक बड़े से पद तक, या ब्रिगेडियर, और उसके बाद में फिर किस तरीके से सत्ता इनके हाथ में आती है। तो जब सत्ता इनके हाथ में आती है क्या क्या चीज़ें इन्होंने की हैं, एक बार हम वो देख लेते हैं। देखिए तीन इन्होंने काउंसिल की स्थापना की थी, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, नहीं तो अब भी हम इसको आगे डिस्कस करेंगे। ये 8 नवंबर 1799, ये वो वर्ष वो तारीख है जिस समय नेपोलियन के हाथों में सत्ता आ जाती है, और नेपोलियन ने यहाँ पे क्या किया है, जोसेफ लुसियन रॉजर जोसेफ चार्ल्स ये सारे जो थे ये डायरेक्टरी के शासन में मतलब मुख्य रोल था इनका, जिनको कि फ्रांसीसी निर्देशिका सरकार को वहाँ से उखाड़ दिया था। मतलब डायरेक्टरी के शासन को नेपोलियन ने समाप्त किया है, और यहाँ से डायरेक्टरी के शासन को उखाड़ कर फेंकने के बाद में नेपोलियन ने क्या किया है, संविधान का निर्माण किया है, ठीक है, जिसमें से नेपोलियन ने खुद को प्रथम वाणिज्य दूत के रूप में चुना है। मतलब तीन काउंसिल्स उन्होंने बनाई थी, जिसमें से पहली काउंसिल ये खुद थे और बाकी के दो जो काउंसिल्स थी वो भी इनके अंडर में ही थी, ठीक है। मतलब वो सिर्फ इनको एक तरीके से एडवाइजरी काउंसिल्स की तरह थी कि वो सिर्फ एडवाइस दे सकते हैं, उनका कोई भी मत या कोई भी स्टेप वो बिना नेपोलियन की मर्जी के नहीं चूज कर सकते थे, ठीक है। तो 1800 में एक जनमत संग्रह का इन्होंने अनुमोदन किया, और 99% इनको वहाँ से संविधान की पुष्टि के लिए मतदान मिल जाता है। अब देखिए काफ़ी ज़्यादा डिबेट भी है इस चीज़ को लेकर के कि जो चुनाव यहाँ पर हुआ था वो कितना वैधानिक था, मतलब कितना ज़्यादा हम कह सकते हैं वो लीगल था, क्या फ्रांस की पूरी जनता ने वहाँ पे वोट दिया था। तो देखिए जितना डाटा मतलब उस समय दिया गया है जो कि नेपोलियन के अनुसार है, तो 30 लाख माना जाता है कि 30 लाख लोगों ने मतदान किया था, लेकिन फ्रांस की जनता और बाकी लोगों का कहना है कि सिर्फ 15 लाख ही यहाँ पर वोट दिए गए थे, ठीक है। देखिए जो भी है इसके बारे में हमारे पास ज़्यादा तथ्य नहीं है, बट हाँ कि वहाँ की जनता के अनुमोदन के बाद ही ये फैसले लिए गए थे। अब आ जाते हैं हमारे मेन टॉपिक पर कि नेपोलियन के उदय के कारण क्या थे। तो देखिए सबसे पहला जो कारण था वो थी इसकी सैन्य सफलता। अब इसकी जो सैन्य उपलब्धियां हमने पढ़ी वहाँ पे भी हमने देखा है क्या सैनिक सफलताएं थी, ठीक है। तो एक बार हम ब्रीफ में देख लेते हैं कि नेपोलियन की जो सैनिक योग्यताएँ हैं वो बहुत ज़्यादा अद्भुत थी कि उसने अपनी गरीबी का एहसास कभी खुद को भी नहीं होने दिया। मतलब जैसे कि हमने इसके प्रारंभिक जीवन में देखा कि कितना ज़्यादा गरीब था, या लुक वाइज वो इतना अच्छा नहीं था, और बाकी उसका जो प्रोनंसिएशन था वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, हमेशा उसका स्कूल कॉलेज में मजाक उड़ाया जाता था, बट स्टिल उसके बावजूद भी उसने अपनी पढ़ाई को या किसी भी चीज़ को नहीं छोड़ा, और अपने सपने को पूरा करने की तरफ वो निरंतर बढ़ता रहता है। अब फ्रेंच छात्रों के साथ में पढ़ते हुए अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र कराने की जो उसकी इच्छा थी वो हमेशा उसके मन में रहती है, और इसी वजह से सैन्य शिक्षा समाप्त होने पर 1785 में उसको द्वितीय लेफ्टिनेंट का एक पद मिलता है सेना में, ठीक है। उसके बाद में क्रांति का विरोध करता है, वो जो फ्रांस की क्रांति हुई थी उसका विरोध करता है, ठीक है। अब उसके बाद में टूलों से फ्रांसीसी जहाजी बेड़ों को सुरक्षित निकालना, और जब इसने ये काम किया तो इसके बाद में इसको ब्रिगेडियर बना दिया जाता है।
देखिए यहाँ से क्या है कि उनको ब्रिगेडियर का पद मिल जाता है, और उसके बाद में नेशनल कन्वेंशन की जो भीड़ थी जिसने आक्रमण किया था फ्रांस में, तो उसकी उससे भी राजा की रक्षा करना या फ्रांस की रक्षा करना, और उसे क्या कर दिया जाता है, मतलब क्योंकि उसने उस भीड़ को रोक लिया था और फ्रांस की रक्षा की थी, तो इस वजह से उसको क्या बना दिया जाता है वहाँ पर, सेना का सेनापति बना दिया जाता है। तो ये हमने देखा कि कैसे एक सेकेंड लेफ्टिनेंट से ब्रिगेडियर तक और ब्रिगेडियर के बाद में सेनापति तक का सफ़र उन्होंने कैसे तय किया। तो यही कारण थे कि जो नेपोलियन का उदय हो पाया फ्रांस में, ठीक है। तो सबसे जो इम्पोर्टेंट इसमें थी इनकी सैन्य उपलब्धियां थी। दूसरा आता है यहाँ पर डायरेक्टरी शासन में उत्कर्ष। अब देखिए क्योंकि जो फ्रांस की जनता थी वो लुई 16 के शासन से वैसे ही काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, उसके बाद में जब डायरेक्टरी का शासन आता है तो लोगों को एक नई उम्मीद वहाँ से नज़र आती है कि शायद अब चीज़ें फ्रांस में बेहतर हो सकेंगी। लेकिन डायरेक्टरी का जो शासन था वो भी काफ़ी ज़्यादा भ्रष्ट था और एकदम निष्क्रिय था, तो जिसकी वजह से धीरे धीरे फ्रांस की जनता डायरेक्टरी के शासन से भी उबने लग जाती है, जो कि रॉबस्पियर, आपने नाम सुना होगा, जेकोबिन क्लब, इन सभी लोगों की सहमति से वहाँ पर वो डायरेक्टरी का शासन बना था, ठीक है। अब क्योंकि नेपोलियन की लोकप्रियता वहाँ पे पहले ही काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी फ्रांस में, तो अपनी लोकप्रियता का फ़ायदा उठाते हुए उसने क्या किया कि डायरेक्टरों का जो चरित्र है, उनका भ्रष्टाचार, उनकी दशा, इन सभी चीज़ों को फ्रांस की जनता के समक्ष लाया, और कैसे फ्रांस की जनता को डायरेक्टरी के और ज़्यादा विरोधी या और ज़्यादा एक तरीके से उनके लिए नफरत पैदा कर दी डायरेक्टरी के लिए, ठीक है। और धीरे धीरे इटली और ऑस्ट्रेलिया को जीतकर उसकी लोकप्रियता और ज़्यादा बढ़ जाती है, नेपोलियन की लोकप्रियता, ठीक है। भावी योजनाओं के लिए भारी मात्रा में उसको धन की आवश्यकता थी, तो धन उसको मिल जाता है फ्रांस से ही, और मेन चीज़ यहाँ पे धन से ज़्यादा थी कि फ्रांस की जनता का जनमत उसको मिलना चाहिए था। तो बाकी सारी कंट्रीज़ को जीत कर भी धीरे धीरे फ्रांस की जनता का जो एक तरीके से विश्वास था वो नेपोलियन को मिल चुका था, बहुत ज़्यादा लोकप्रिय वो हो चुका था। तो धन, शक्ति, लोकप्रियता, तीनों ही चीज़ें उसको मिल जाती हैं, ठीक है। अगला हमारे पास जो कारण रहता है नेपोलियन के उत्थान का, वो है फ्रांस के गौरव में वृद्धि। तो जैसे कि हमने देखा कि लुई 14 की बात करें हम, या 15 की, या लुई 16 की बात करें, जो कि हमने लास्ट यूनिट में पढ़ा था कि उस समय फ्रांस की जो आर्थिक स्थितियाँ थी बेहद ही ख़राब थी, और आर्थिक स्थिति के साथ साथ सामाजिक, राजनीतिक और बाकी सारे पहलू भी कुछ कम नहीं थे, मतलब सभी तरीके से फ्रांस की स्थितियाँ काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। अब लोगों को उम्मीद थी कि लुई 16 के बाद में जो डायरेक्टरी का शासन है वो फ्रांस की स्थितियों को बेहतर करेगा, लेकिन उस समय स्थितियां और ज़्यादा ख़राब होने लगी, बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार वहाँ पे फैलने लगता है। अब इन्हीं चीज़ों का फ़ायदा उठाया नेपोलियन ने। पहली चीज़ तो नेपोलियन ने फ्रांस को इतने सारे युद्धों से बचाया, और फ्रांस में जो नेपोलियन की विजय हुई उनकी वजह से फ्रांस का गौरव बढ़ जाता है, और नेपोलियन की जगह वहाँ पे लोगों के दिल में बन जाती है। अब नेपोलियन की जो विजय है उन्होंने फ्रांस के गौरव को बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया, और इसी वजह से जो जनता थी वो अब नेपोलियन के पक्ष में थी। तो नेपोलियन को बहुत ज़्यादा मेहनत तो करनी पड़ी, पर बहुत ज़्यादा इनके मार्ग में ना इस तरीके से प्रॉब्लम्स नहीं आईं या रुकावटें नहीं आईं फ्रांस की गद्दी तक पहुंचने में, ठीक है। तो लुई 14 के समय में भी इतना गौरवशाली फ्रांस नहीं था जितना नेपोलियन के टाइम पे हुआ, ठीक है। अब अगला यहाँ पे रीज़न होता है कि फ्रांस की दशा। तो देखिए फ्रांस की दशा से तो हम सभी वाकिफ़ हैं, फ्रांस की क्रांति में हमने काफ़ी अच्छे से इसको पढ़ा है। तो फ्रांस की जो राज्य क्रांति के बाद में राष्ट्र सभा थी, देश में शांति स्थापित करने में वो भी असफल रहती है, और व्यवस्थापिका और राष्ट्र सम्मेलन के आतंक ने फ्रांस की जो दशा थी उसको और ज़्यादा ख़राब बना दिया था। उसके बाद में डायरेक्टरी का निष्क्रिय शासन, उससे भी फ्रांस की दशा और ज़्यादा ख़राब हो चुकी है, और फ्रांस में एक शक्तिशाली शासन की आवश्यकता थी, जो कि किसके आने के बाद वहाँ पे स्थापित हो पाता है, नेपोलियन के आने के बाद में, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे जो सिलेबस में पूछा गया है नेपोलियन के रिफॉर्म्स, ठीक है। देखिए अगर मैं सिलेबस की बात करूं जो CCS ने प्रोवाइड कराया है, उसमें मेनली लिखा है कॉजेज या राइज ऑफ कॉजेज ऑफ नेपोलियन, नेपोलियन के उत्थान के कारण पूछे गए हैं, उसकी जो कॉन्टिनेंटल सिस्टम है वो पूछा गया है, और फॉरेन पॉलिसी पूछी गई है। बट इसके पतन के कारण क्या थे, इसके रिफॉर्म्स क्या थे, वो भी आपके लिए जानने ज़रूरी है, क्योंकि नेपोलियन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, तो उसके उत्थान से पतन तक की सारी कहानी हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब जो भी आपके दो या तीन टॉपिक्स रह जाएंगे इस यूनिट से, क्योंकि ये जो यूनिट है काफ़ी लेंथी है, सिर्फ इसमें एक नेपोलियन ही दिया गया है, बाकी यूनिट्स की तरह इसमें सब टॉपिक्स नहीं हैं, तो इसको हम अच्छे से कवर करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो अभी हम देख लेते हैं नेपोलियन के रिफॉर्म्स, बाकी की जो उसकी थ्योरीज थी या जो इसके सुधार थे, उसके अलावा जो कॉन्टिनेंटल सिस्टम बचता है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नेपोलियन के रिफॉर्म्स में स्थानीय शासन व्यवस्था। तो देखिए नेपोलियन की धारणा ये थी कि फ्रांस की जो जनता है स्वतंत्रता से कहीं ज़्यादा उसको समानता की आवश्यकता है,
तो इसने क्या किया, सबसे पहले शासन को केंद्रीकृत किया, उसने प्रांतों और जिलों में निर्वाचित सदस्यों को हटा दिया और उनकी जगह पे प्रिफेक्ट नियुक्त किए। प्रांत में जो अधिकारी था वो प्रिफेक्ट कहलाता था, जो जिले में होता था वो उप प्रिफेक्ट कहलाता था। और इसी तरीके से इसने वहाँ पे कुछ समितियाँ भी बनाई, छोटे जो कम्यून थे वहाँ पर जो अधिकारी थे उनको मेयर कहा गया। अब ये जो नियुक्ति होती थी प्रिफेक्ट की, वो होती थी जनसंख्या के आधार पर कि जिन कस्बों की जनसंख्या 5,000 से अधिक है उन पर एक मेयर होगा, और स्वयं नेपोलियन ही नियुक्त करता था उस मेयर को। पेरिस नगर का प्रबंध प्रिफेक्ट ऑफ पुलिस के अधीन में था। तो ये सारी व्यवस्थाएं नेपोलियन ने काफ़ी अच्छे से की। इसके बाद में आते हैं नेपोलियन के सार्वजनिक और जनहित कार्य, ठीक है। अब देखिए, आपसे सीधा सीधा नेपोलियन के रिफॉर्म्स पूछे जाते हैं तो आप हर पहलू के बारे में लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपसे इंडिविजुअली सिर्फ ये पूछा जाए कि उसके सार्वजनिक या जनहित कार्यों की विवेचना कीजिए, तो फिर आपको थोड़ा ज़्यादा इसको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम बात करें सार्वजनिक और जनहित कार्यों की, तो काफ़ी सारे कार्य इन्होंने किए थे, बट हमने यहाँ पे 3 से 4 ही इंक्लूड किए हैं क्योंकि इंडिविजुअली नहीं पूछा जाएगा। तो सबसे पहले इन्होंने काम किया पेरिस नगर को सुंदर बनाने में, वहाँ की सड़कों को चौड़ा कराया, जगह जगह पे इन्होंने कुछ पार्क्स बनवाए, वहाँ पे कुछ गार्डन्स बनवाए, और पेरिस को सुंदर दिखाने के लिए वहाँ पे कुछ बाजार, पुल, मेहराब, इस तरीके की चीज़ें इन्होंने बनवाई, ठीक है। दूसरा, पेरिस को फ्रांस की सीमाओं से जोड़ने के लिए काफ़ी सारी सड़कों का निर्माण कराया, 229 नई सड़कें बनवाई इन्होंने, काफ़ी सारे पुल बनवाए, डैम बनवाई, ठीक है। और पेरिस में एक अजायब घर भी इन्होंने खोला, मतलब एक तरीके से वो म्यूज़ियम था जिसमें विदेशों से लाई गई चीज़ें रखी जाती थी, बहुमूल्य चीज़ें। रोम, फिलान, ट्यूरिन और नेपल्स आदि नगरों को पेरिस से मिलाने के लिए भी इन्होंने सड़कें बनवाई, ठीक है। अगली हम चर्चा कर लेते हैं आर्थिक सुधारों पर। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने आर्थिक क्षेत्र में बहुत सारे सुधार किए, जिसमें से कि फ्रांस की जो कर व्यवस्था थी पहले वाली, वो काफ़ी ज़्यादा अव्यवस्थित थी, उसको सुचारू रूप से चलाया और एक नई कर व्यवस्था वहाँ पे लागू की। मतलब पुरानी वाली में इन्होंने कुछ चेंजेस किए, कुछ उसमें रिफॉर्म्स किए और एक नई व्यवस्था लागू की। अब जो कर था वो नियमित रूप से सरकारी कर्मचारियों द्वारा ही वसूला जाए, इस तरीके की व्यवस्था इन्होंने यहाँ पे की। और 1800 में इन्होंने एक बैंक ऑफ फ्रांस की भी स्थापना की। 3 वर्ष के बाद इस बैंक को नोट जारी करने का अधिकार भी मिल जाता है, और इस प्रकार से फ्रांस का जो वाणिज्य और व्यापार है उसमें काफ़ी ज़्यादा उन्नति होती है। चौथा जो इन्होंने किया है यहाँ पे, समानता का सिद्धांत। नेपोलियन ने सामंत और चर्च के जो विशेष अधिकार थे उनको ख़त्म किया, और इस सिद्धांत को मानते हुए नौकरियों के जो द्वार थे ना वो सबके लिए खोल दिए गए। मतलब पहले ऐसा था कि जो सामंती व्यवस्था चल रही थी या जो चर्च के अधीन लोग थे ना, उन्हीं को सिर्फ महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति मिल पाती थी जो राजा के सगे संबंधी या करीबी होते थे। लेकिन अब क्या था कि जितनी भी सरकारी नौकरियाँ या जितने भी विशेष पद हैं उन सबके लिए ना कुछ योग्यताएँ इन्होंने या कुछ मापदंड तय कर दिए कि कोई भी व्यक्ति अगर उन मापदंड को पूरा करता है तो वो उस पद के योग्य होगा। ऐसा नहीं है कि केवल वही लोग योग्य होंगे जो राजा के प्रिय हैं, ठीक है। तो एक तरीके से समानता का व्यवहार यहाँ पे इन्होंने स्थापित किया है। पादरी वर्ग के जो भी मुख्य एक तरीके से अधिकार थे वो सारे इन्होंने जब्त कर लिए, और जो सामंत वर्ग या पादरी लोग क्रांति के समय में देश को छोड़कर चले गए थे उन्हें वापस आने की परमिशन दी गई और बाकी सारी संपत्ति उन्हें वापस दे दी गई, ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट आते हैं इनके शिक्षा संबंधी सुधार। तो नेपोलियन ने सत्ता में आने के बाद, या सबसे जो मेन काम कहा जाता है वो इनका शिक्षा धर्म अधिकारियों का नियंत्रण था। तो क्योंकि ये जानते थे कि अगर हमें चीज़ों को बदलना है या पुरानी व्यवस्था में परिवर्तन लाना है तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वहाँ की जो शिक्षा व्यवस्था है उसको पहले सुधारा जाए, ठीक है। क्योंकि जिस प्रकार की शिक्षा दी जाएगी स्कूलों में वैसा ही समाज बनेगा। तो इन्होंने काफ़ी सारे स्कूलों की भी स्थापना की, पेरिस में भी एक नॉर्मल स्कूल खोला इन्होंने, हाई स्कूल की भी स्थापना की, ठीक है। उसमें प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति के लिए इन्होंने ध्यान दिया, और व्यवसाय के लिए भी काफ़ी सारे स्कूल खोले, सैनिक प्रशासन के लिए सैन्य स्कूल भी खोले। पाठ्यक्रम में इन्होंने विज्ञान और गणित जैसे जो सब्जेक्ट्स हैं उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी, ठीक है। तो ये थे नेपोलियन के उत्थान के कारण और साथ ही साथ उसके द्वारा किए गए रिफॉर्म। अब अगली चीज़ आती है नेपोलियन की जो विदेश नीति है, इसकी विदेश नीति के साथ में इसकी जो कॉन्टिनेंटल सिस्टम है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।